अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, पूरे हफ्ते में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई पंजाब के अंदर जिन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया निगरान गवर्नमेंट के पंजाब में सेटअप के ऊपर। और मरियम नवाज़ ने अपने इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसे नए मुतालबात किए हैं जो कि ऐसा लगता है कि पी डी एम ने और पी टी आई ने अपनी अपनी मर्ज़ी के एक्स जनरल्स चुन लिए हैं और वो उनका एहतसाब चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहते। इस पे आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे। हमने देखा कि एक पीटीआई का वर्कर जो डिफरेंटली एबल था, अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो लगता है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, उसका मर्डर हुआ या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जिन लोगों ने वो सारे वाक़यात कवर किए हैं उसमें पीएनएन के एक जर्नलिस्ट ज़ोहेब काज़मी वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने देखा था उसको उस वैन के अंदर, और उसके एक साथी की वीडियो भी मंजर यहाँ पे आई कि वो भी उस वक्त वैन में था, प्रिजन वैन में था। एग्जैक्टली हकीकत क्या है इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इलेक्शंस होने वाले हैं लेकिन वजारत ख़जाना भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती। तो क्या हम देखेंगे कि 30 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद के पी के गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की टीम के दौरान अब तक भी बात होना बाकी है। सबसे पहले बात करेंगे आमिर मीर साहब से जो केयर टेकर गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब में, उनसे पूछेंगे कि ये पीटीआई के वर्कर की हलाकत का मामला क्या है और ये तासुर क्यों जा रहा है कि पंजाब में निगरान गवर्नमेंट एक जानबदार गवर्नमेंट है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर मीर साहब, ये तासुर क्यों पैदा हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो निगरान गवर्नमेंट है वो एक जानबदार गवर्नमेंट है? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, ऐसा कोई तासुर नहीं है, ये इल्ज़ाम है और तहरीक इंसाफ की जानिब से है। और माजी में भी हर निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि वो जानिबदार है, और ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम किसी न किसी ने निगाना होता है। जिस तरह नजम सेठी की निगरान गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम था पीटीआई का कि ये जानिबदार है, इसी तरह जो गवर्नमेंट डॉक्टर हसन असकरी रिजवी की थी, वो जब वज़ीर आला थे उन पे इल्ज़ाम था कि उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं। नून लीग का उस पर इल्ज़ाम था कि ये जानिबदार हुकूमत है। तो ये इल्ज़ाम जो है वो और तासुर, उसमें फ़र्क होता है। अगर आप तासुर की बात कर रही हैं तो आप ये बताएं कि जब से ये निगरान हुकूमत बनी है कौन सी ऐसी कार्रवाई हुई है जिस पर आप ये इल्ज़ाम लगा सकें कि जो मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट है उसने कोई पीटीआई के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी है। अगर आप पुलिस एक्शन की बात करेंगी तो ये डिफेंस में है, रियासत की रिट बचाने के लिए जब लोग डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर निकलेंगे और कानून को नहीं मानेंगे तो रिट इस्टेब्लिश करने के लिए उनको रोकना, उनका रास्ता रोकना ज़रूरी होता है। जी आमिर मीर साहब, प्लीज़ इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। आई नो कि आपकी जो पोजीशन है इट्स वेरी क्रूशल इस वक्त, और ये बयानात देना आपके लिए भी एक ज़िम्मेदारी की बात है, लेकिन अब ये भी डिस्कस हो रहा है कि जो पीटीआई के वर्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें मारने के निशानात हैं, और अब ये भी इल्ज़ाम लग रहा है पंजाब पुलिस के ऊपर कि उसको बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई, और अब ये मुतालबा भी मुख्तलिफ सर्कल से सामने आ रहा है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए बाकायदा। तो आप बताएं कि आप इसको एक गवर्नमेंट की हैसियत से टेकअप करेंगे? देखिए, आपने तीन बातें की हैं, एक आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रही हैं, दूसरी जिले शाह की गिरफ्तारी की खबरों की बात कर रही हैं, और तीसरा आप इसको मर्डर करार दे रही हैं जो कि बिल्कुल गलत है और ज्यादती वाली बात है। आप ये देखिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बुनियादी तौर पे दो मेजर इंजरीज़ का ज़िक्र किया गया, और एक एब्डोमिनल इंजरी है और दूसरी जो है हेड इंजरी है। मैंने कल भी मीडिया को बताया था कि इट अपीयर्स कि ये दो इंजरीज़ एक्सीडेंट के नतीजे में हुई हैं, ये किसी गाड़ी से टकराया। हमने सेफ सिटी कैमराज जो हैं पूरे लाहौर के उनको उनके ज़रिए ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वाकया कहां पर हुआ है, चूँकि ना तो किसी पीटीआई के बंदे ने बताया कि ये किसी क्लैश में मारा गया है, चोट लगी है, ना कोई और ऐसा एविडेंस आ रहा है कि ये पुलिस और मुजाहरीन के क्लैश के दौरान मारा गया, ऐसा कहीं से कोई एविडेंस नहीं आया। जिसका मतलब ये है
कि ये इसकी डेथ जो है ये कहीं ऐसा वाकया पेश आया जहां ये किसी गाड़ी से टकराया, चूंकि इसकी बॉडी जो है एक गाड़ी ही लेकर आई थी प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद, 3 घंटे बाद, 4 बजे प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए, 7 बजे के करीब ये बॉडी एक काली गाड़ी में सर्विस हॉस्पिटल लाहौर, एक बंदा इसको छोड़ के जब उसे पता चला कि ये मर चुका है तो वो निकल गया। तो ख्याल ये है पुलिस का कि ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी से ये बंदा टकराया है। अब हम उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी को हमने ट्रेस कर लिया हुआ है और इसका भी नतीजा सामने आ जाएगा। और इसे मर्डर आप तब करार देंगे जब इसका कोई रिजल्ट सामने आएगा। इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है, इसमें बड़ी प्रोग्रेस है जो मैं अभी नहीं बता सकता। ये 3 दिन इंक्वायरी कमेटी ने मांगे थे, इसकी मुफस्सल जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए। तो ये 3 दिन पूरे होते हैं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और अगर इसमें ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि ये पुलिस की कस्टडी में था तो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी जितनी के किसी भी और कानून के मुजरिम के ख़िलाफ़ होनी है। और लेकिन इसमें हमें टाइम चाहिए और 3 दिन पूरे होते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी इसमें रिज़ल्ट आएगा, ये एक्सीडेंट में वाक़या हुआ, कोई ये पुलिस क्लैश में हुआ, जो भी वाक़या होगा उस हवाले से जो सच सामने आएगा वो मीडिया को बता दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे जस्टिस शायक उस्मानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जस्टिस साहब मुझे बताइएगा, जब अदालत कोई फैसला दे देती है, मैं मिसाल आपके सामने रख रही हूँ इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले की। पिछले 24 घंटे से हम सुन रहे थे कि बलूचिस्तान से क्वेटा से एक टीम रवाना हो गई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, और फिर आज सुबह सुबह खबर आती है कि वो नॉन अवेलेबल वारंट्स भी मुअत्तल कर दिए गए। तो सर ये बताइएगा कि इसमें ये ग्रे एरिया क्या है कि पहले एक पूरा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, फिर ये ऐसा कि वारंट्स मुअत्तल हो जाते हैं, वट डज दैट मीन एग्जैक्टली? इससे तो अदालत का अपना जो फैसला है उसका वजन कम होता है या कोई और मुहरकात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती? देखिए, एक तो जो ट्रायल कोर्ट होती है जब कोई वारंट वगैरह इशू करती है, उसके अपने तरीके होते हैं इशू करने के, और वो प्रोसीजर्स के लिहाज से वो करते हैं जो प्रोसीजर लेट डाउन होता है। अब उसको बुलाते हैं लोगों को, अगर कोई नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन बसूरत कोई भी ऑर्डर जो लॉ कोर्ट का होता है वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और उसी जगह हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट उसको सस्पेंड भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है, उसके पावर हैं उसकी। अब इसमें भी उन्होंने क्या वजूहत दी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो गए थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, और फैसला तो नहीं किया अभी तक, अभी तो सिर्फ उन्होंने सस्पेंड किया है और फैसला करेंगे वो 2 हफ्ते बाद, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद वो उसको सुनेंगे और देखेंगे कि वो उन्होंने जो बयान दिए थे, मसलन वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है इस वजह से वो नहीं जा सकते, और भी बहुत सी वजूहत दिखा रहे हैं कि टांगे ठीक नहीं है जो भी, तो उसको कंसिडर करके उन्होंने सोचा होगा चलो ठीक है हम इनको टाइम दे देते हैं और फिर देखते हैं 2 हफ्ते के बाद क्या सिचुएशन होती है। जस्टिस साहब, जिस वक्त हमने ये जमान पार्क वाली एपिसोड देखी लाहौर में, तभी राणा सनाउल्ला कह रहे थे कि हम चाहें तो फौरन गिरफ्तार कर सकते हैं, तो इनके चाहने या ना चाहने का क्या मतलब है? जब एक अदालती फैसला आ गया है या एक हुक्म आ गया है तो उसमें फिर ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है या पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये गिरफ्तारी हो या ये मामला कैसे आगे चले? नहीं, लेकिन जब हाई कोर्ट ने, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने ये उसको सस्पेंड कर दिया उसको वारंट को, तो उसके बाद तो जो बलूचिस्तान की जो पुलिस आई है यहाँ पर वो तो एक्शन नहीं ले सकती, तो उस पर लागू है वो ऑर्डर हाई कोर्ट का, तो वो तो अरेस्ट नहीं कर सकते उनको यहाँ पर, जब तक कि हाई कोर्ट दोबारा उसको ऑर्डर को विड्रॉ कर ले
या सुन करके उनके उनके जो एप्लीकेशन है या उनकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर। जी जी एग्जैक्टली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब इस्लामाबाद की पुलिस जमान पर गई थी और वो वापस आ गई थी और उसके बाद फिर इमरान खान उसी घर से नमोदार हुए थे, वहीं पे थे वो, तो फिर ये मैसेज क्या कन्वे करता है इसमें? इंटीरियर मिनिस्टर एक बात करते हैं, हम चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ये गैप क्यों आता है? अदालत का हुक्म कुछ और है, पुलिस इंतजार कर रही है, इंटीरियर मिनिस्टर कुछ और क्लेम कर रहे हैं? वो तो इस वजह से कहते हैं, देखिए अगर तो बीच में हाईकोर्ट इन्वॉल्व नहीं होती और अगर किसी वजह से वो पुलिस जाती है, कोटा की पुलिस जाती है वहाँ पर, उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, तो रेजिस्टेंस होती है, तो उस वक्त में फिर यकीनन वो पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके, पावर को इस्तेमाल करके उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक, जस्टिस साहब आपने ये भी देखा होगा कि पैमरा की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि जजेस के हवाले से बात नहीं की जा सकती, रिडिक्यूल नहीं किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि वो चीज़ उस तरह से इम्प्लीमेंट भी हो रही है? और ये मैं इस पर भी आपकी राय जानना चाहती हूँ कि इमरान खान पे पाबंदी तो लगाई उनकी तकारीर पे, लेकिन इसी तरह की तकारीर जब माजी में किसी और ने की थी तो उनको और तरह डील किया था, इमरान खान और तरह डील कर रहे हैं, तो सर ये लॉ एक सबके लिए एक तरह नहीं है? देखिए बात ये है कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी है, अपनी राय बयान करने की आज़ादी है और कोई रुकावट नहीं है, और मेरे ख्याल में तो वो जो उनका ऑर्डर आया था, कैमरा का ऑर्डर उनको तकरीबन मिशन ना करना, वो करना, वो तो आइन के मुताबिक और अपने कानून के मुताबिक नहीं था, क्योंकि शख्सी आज़ादी तो है ना हमारे मुल्क में। अब आपको पसंद ना हो लेकिन उनको रोक तो नहीं सकते आप बोलने, तो ये जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था उसको सोच समझ के भी किया पास, और इसी वजह से वो खत्म भी हो गया ऑर्डर। तो वो जो चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जेक्टिव जो है वो जो ऑर्डर पास करे उसके मुताबिक पहले सोच विचार कर ले, और सिर्फ एक कोई उनका अपना पॉलिटिकल जो एम ऑब्जेक्टिव हो उसके लिहाज से उनको ऑर्डर नहीं पास। अच्छा कुशवाहा साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, प्लीज़ इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं, जो कि अब तक लगता है कि शायद मामला कहीं जाके स्टक हो जाए, और उसमें फिर कुछ फंड्स का प्रॉब्लम आ जाए या पैरा मिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस का मामला आ जाए, एहलकार कम पड़ जाए, तो क्या फिर आपको लगता है अदालत की तरफ मामला जा सकता है? क्योंकि फ़िलहाल तो यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वजारत ख़जाना भी रिलक्टेंट है फंड्स के लिए और पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी रिलक्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। वो तो देखा जाएगा जब मौका आएगा इलेक्शन का, अभी तक तो इलेक्शन अभी जब होंगे देखा जाएगा, लेकिन अगर तो चूंकि इलेक्शन तो एक ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और आपने बटन दबाया और इलेक्शन हो गए, ये तो नहीं होता ना। इलेक्शन तो एक ह्यूमन एक्सरसाइज है जिसके अंदर इतने करोड़ों लोग जा करके अपने वोट डालते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर वैसे ही बदनज़मी होती है और लोगों के मॉरल स्टैंडर्ड इतने नीचे हो गए हैं, लड़ने झगड़ना, गालियाँ गलौज, ये सब तो होता रहता है, तो उस सूरत में झगड़ा फसाद तो होना लाजमी है, और अगर झगड़ा फसाद होगा, बल्कि यहाँ कत्ल भी होते हैं इलेक्शन के ज़माने में, तो उस सूरत में फिर आपको यकीनन पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, रेंजर्स की ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो यकीनन कियोस हो जाएगा, तो इस वजह से अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो नेक्स्टली इनको मौका मिल जाएगा कहने का गवर्नमेंट को कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जस्टिस शायक उस्मानी साहब, हमारे कानून प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदी, इस वक्त मुझे नवाब तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आलमगीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई से, और ब्रिगेडियर गजनफर डिफेंस एनलिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन करें। जी नवाब तालपुर साहब, ये बताइएगा कि पीडीएम में मरियम नवाज़ ने मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद साहब का होना चाहिए कोर्ट मार्शल, नैब ये रिपोर्टेडली जो रेफरेंस उनके खिलाफ नैब में गया है वो वापस आ गया है, आपको लगता है कि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए? और ये भी एक एतराज़ आ रहा है मरियम नवाज़ के ऊपर कि जनरल बाजवा को पीडीएम नहीं इतना क्रिटिसाइज़ करी, फैज़ हमीद को कर रही है, आपको लगता है ऐसा ही है? हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, मरियम नवाज साहिबा के साथ बेशक बहुत ज्यादती की गई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है,
उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि जज्बात हैवी है, पर मैं समझता हूँ कि हमें सियासत में आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, और मेरे ख्याल से अब टाइम है कि हम इदारों को जो है तंग करना बंद कर दें, वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेट्स होप दे रिमेन न्यूट्रल और जिन्होंने बात की उसी पे कायम दायम रहे। नवाब साहब, चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस होती रही है पीडीएम की आपकी तरफ से, ये जो रिसेंटली मरियम नवाज़ ने बयानात दिए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब आगाह थे कि वो इस तरह के बयानात देने वाली हैं, या आप लोग एक टेबल पे कोर्ट मार्शल के मुतालबे को लेकर? हम जब कोई फैसले करते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो ज़रूर बैठ कर डिस्कशन होता है और उसके बाद जिस चीज़ पे सब मुत्तफिक होते हैं वही चीज होती है, पर बयान हमसे पूछ के मरियम नवाज साहबा नहीं देती, ना हम उनसे पूछ के बयान देते हैं, और जो भी मेजोरिटी का फैसला होता है वैसे ही किया जाता है। पर जहां तक बात है बयानात की, तो बयानात ना हम मरियम नवाज साहबा से पूछ के देते हैं और ना ही वो हमसे पूछ के देती है। जी ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताएं कि क्या ऐसी कुछ मिसाल मिलती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल मुतालबा बढ़ जाए और उसके बाद फिर जो हालात हैं वो कोर्ट मार्शल की तरफ चले जाएं? क्योंकि राणा सनाउल्ला कहते हैं कि हमारा इस्तेकाक नहीं है तो जीएचक्यू का है, लेकिन अब जितना मीडिया पर बात हो रही है और जिस तरह से फैज़ हमीद साहब ने एक रद्द अमल भी दिया है, तो ये किस तरफ ये मामला जाएगा? फौज में कोर्ट मार्शल जो है वो एक प्रोसीजर तो है, लेकिन उस कोर्ट मार्शल से पहले बड़े लेंथी प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उसके अंदर फिर एक अदालत बनाई जाती है जिसमें एक बाकायदा एक प्रेसिडेंट होता है, दो मेंबर्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ एक अक्यूज को ये प्रोरोगेटिव दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी का डिफेंस काउंसिल कर ले, फिर एक फौज का प्रोसिक्यूशन का होता है जो केस को परसू कर रहा होता है। फौज के अंदर कोर्ट मार्शल, ये पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल मतलब लोगों की डिमांड पे तो नहीं होते, ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा ही है कि आप कहेंगे जी फलाने पे कोर्ट मार्शल कर दो, फलाने पे कोर्ट मार्शल कर दो, ये मतलब है फौज से रिलेटेड चीजें हैं, अफसरों से रिलेटेड चीजें हैं, इनके अंदर आपको कोई लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ते और लीगल प्रोसीजर शुरू होते। अब जैसे आप जनरल फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं, जनरल बाजवा की तरफ इशारा, अगर उन्होंने कोई गलतियां की हैं या कोई ऐसी चीजें हुई हैं, जो जनरल बाजवा की तो गलती तो है बहुत बड़ी, मतलब इससे बड़ी जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसका आज आपको इम्प्लीकेशन नजर आ रही है कि पाकिस्तान माशी तौर पर कहाँ खड़ा है, पॉलिटिकल तौर पर कहाँ खड़ा है, लेकिन तमाम चीजों करने के बावजूद आप पॉलिटिकली ये मुतालबा नहीं कर सकते जी फलाने का कोर्ट मार्शल कर दो, उसकी आपको शक्ल पसंद नहीं है, फलाने का कोर्ट मार्शल कर दो, उसका कंडक्ट पसंद नहीं है, ये तो बाजारी बात है, और ये जो इस किस्म की बाजार बातें होती है वो अमूमन आवाम को या आप कहें लोगों को धोखा देने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना सेल बढ़ाने के लिए, उस बात में चीजें की जाती है। पाकिस्तान का आज का प्रॉब्लम जो है वो जनरल फैज हमीद का है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो कुछ और प्रॉब्लम्स है। क्या जो लोग, लेकिन जल सर प्लीज वाजे कीजिएगा क्योंकि यू हैव सर्व्ड इन द इंस्टीट्यूशन, तो ये समझाइएगा कि फिर जब जनरल फैज हमीद की तरफ से एक बयान आया कि मैंने, उन्होंने डिनाई तो नहीं किया ना कि वो पोलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा मैंने कर दिया, तो फिर इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे बाय बुक? बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, और फौज में एक यूनिटी ऑफ कमांड है, चेन ऑफ कमांड है। अब चेन ऑफ कमांड में जब आप होते हैं तो आप अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी है, सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल भी, वो आर्मी चीफ के अंदर होता है, आर्मी चीफ की चेन ऑफ कमांड जाके खत्म होती है प्राइम मिनिस्टर पे या प्रेसिडेंट पे, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है फोर्सेस का। इसी तरह आप रैंक से नीचे आ जाए, एक मेजर जनरल होता है उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर होता है उसका, एक ब्रिगेडियर होता है उनके ऊपर मेजर जनरल, यानी एक चेन ऑफ कमांड पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया की तमाम आर्मी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक ऑफिसर अनलॉफुल हुक्म नहीं मान सकता, ये मैं इसको पॉलिटिकली बात ही नहीं करना चाहता, ये सब रेटोरिक्स है, ये सब बाजारी बातें हैं जो आप ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सर उनकी सियासतदानों की बातों को बाजारी आप कह रहे हैं समझ भी आता है, लेकिन जो जनफैज हमीद ने कह दिया उसको कैसे? मुझे आप ये बताइए कोई जुर्म ऐसा हो जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किया गया है, या कोई जुर्म ऐसा हो
जो जिसका ताल्लुक है जो फौज की वर्ग फौज के अंदर कुछ करने से या मुल्क की सलामती के खिलाफ कुछ करने से है, तो अब पाकिस्तान में तो दो चीजें हो गई ना। अब आपने देखा होगा, एक गद्दारी का सर्टिफिकेट देना पाकिस्तान में सर्टिफाइड है जो शख्स आता है जी। लेकिन बिगेरी साहब, मेरा मकसद आपसे सिर्फ जो जलफैज हमीद की पोजीशन है उसको समझना था कि उनकी जो पोजीशन है उसको किस तरह से वो आगे वाले आने वाले वक्त में किस तरह से है वो मुश्किल। मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डीजी जलफैज हमीद के हवाले से आप बातचीत कर रही है या दुनिया आज पाकिस्तान में बातचीत हो रही है या किसी भी पोलिटिकल लीडर की तरफ से बातचीत हो, जनरल फैज अमीर, मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये कि जनरल फैज अमीर एक चेन ऑफ कमांड में काम कर रहे थे और वो चेन ऑफ कमांड ठीक है। ठीक है बिगेरी साहब, आप काइंडली रुकिएगा यहाँ पे, आई गॉट योर पॉइंट। आलमगीर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल करें, मरियम नवाज ने कहा है कि जनरल फैज अमीर का कोर्ट मार्शल करें, तो आप लोग अपनी अपनी चॉइस के जनरल्स का कोर्ट मार्शल करना करवाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग परफॉर्म क्या करें, आपकी गवर्नेंस क्या है, इकॉनमी के लिए आपने क्या किया, वो फिलहाल आपका लाहे अमल नहीं है, उसके ऊपर इलेक्शंस करीब है, लेकिन कोर्ट मार्शल करवाना, आपकी आपका वोटर आपकी इस बात पे यकीन क्यों करे? आप तो ये भी कहते थे कि जनरल मुशर्रफ का होना चाहिए, उसका भी नहीं करवाया आपने। देखिए, जरूरी ये है कि पहले तो ये तय करना होगा कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका पॉलिटिकल मामलात में अमल दखल रहा है या नहीं, आया वो न्यूट्रल हैं थे या आगे रहेंगे या नहीं। दूसरी चीज ये कि देखें, एहतसाब हर इदारे के अफसर का होना चाहिए और कुछ इदारे अपना एहतसाब खुद करते हैं, कुछ इदारों के लिए अदालतें मौजूद हैं अफसरान के लिए। तो रही बात आज मुल्क जिस माशी सूरत हाल में है, इसमें सबसे अहम चीज़ थी कंटिन्यूटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो रिजीम चेंज के बाद से हमें देखने को नहीं मिली। और ऐसे में हर वो किरदार इसका जिम्मेदार है जो जो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल था। और रही बात, मैं सिर्फ यहाँ ये छोड़ कर जाऊँगा बात कि एहतसाब सबका होना चाहिए, वो चाहे माजी के जनरल्स हो, वो चाहे कोई भी हो। आलमगीर साहब, आप इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी, कि इमरान खान इस जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनसे मिलना चाहते हैं, जो साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं, इमरान खान को क्यों लगता है कि वो इनके इस तरह के मुतालबात प्रैक्टिकल भी हैं, उनको करने भी चाहिए और एक इंस्टीट्यूशन को वो अपने मौकिफ के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं? देखिए, क्या उन्होंने डिनाई किया इस बात को? अगर कोई भी तीसरा शख्स ये बात कह देता तो आप उसको यकीन कर लेते, और इमरान खान खुद ये कहता है कि मैंने कोई भी मुलाकात की बात नहीं की, आप उसको यकीन नहीं करते। और दूसरी बात यह कि अगर वो तीसरा शख्स ये कह रहा है कि तो तय है कि वो पिछली मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो फिर न्यूट्रल नहीं है, वो फिर गैर सियासी नहीं है। तो एक तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार या तो पूरी तरीके से कर लें या फिर वाजे सामने आ जाएं कि हमारा ये रोल बनता है मुल्क की बेहतरी सलामती के लिए, तो वो भी बता दें। तो ये एक चीज समझ से बालातर है। बाकी इमरान खान ने पहले नवाब साहब आप बताइएगा, फिलहाल प्रेसिडेंट सेट करने की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि राणा सनाउल्ला कह रहे हैं कि आपका डिपार्टमेंट नहीं, आप लोग नहीं कर सकते, तो आप इस मुतालबे को मटेरियलाइज किस तरह से करवाएंगे, खत लिखेंगे जीएचक्यू को, क्या करेंगे? मेरे ख्याल से ना ही हमारा कोई इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई है इरादा और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी बात आई है। ये पीएमएल नून का एक डिमांड है और वो खुद ही देखेंगे कैसे कैसे पूरा कराते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है इन चीजों को पोलिटिसाइज करने अवॉइड करते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि आपका, आप थोड़ा दोहराइएगा, मैं आई कुड नॉट हेयर यू, आप ये कह रहे हैं कि आपका, आप इसको मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया इस मामले पर और ना ही सदर जरदारी कभी इन चीजों को पॉलिटिसाइज करते हैं। मेरे ख्याल से ये पीएमएलएन का अंदरूनी मामला है। आपको आपको आसिफ अली जरदारी का ईंट से ईंट पे ज्यादा देने वाला बयान तो याद होगा ना? हाँ जी, अगर जरदारी साहब के इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में एक कोई ऐसी बात हुई थी तो उसके लिए बड़ा फोर्स किया होगा कि ऐसी बात उनके लब पर आए, वरना उन्होंने हमेशा न्यूट्रलिटी से काम किया और कभी भी इरादों को कभी भी पॉलिटिसाइज नहीं किया है। अच्छा,
और आप आपके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब इस बात को टोटली रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर इदारे कह रहे हैं कि हम ए पोलिटिकल हैं तो इन्हें ए पोलिटिकल ही रहने दें, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आसिफ अली जरदारी ओन नहीं करेंगे मरियम नवाज के बयान को? नहीं, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कोई भी कमेंट करेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी और पीएमएलएन की पोजीशन अब अलग अलग होगी आने वाले मामलों में इलेक्शंस की वजह से? हमारी पोजीशन अलग नहीं होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बयान जो है एक दूसरे से पूछ के नहीं देते, ना जरदारी साहब उनसे पूछ के बयान देते हैं और ना ही वो हमसे पूछ के बयान देते हैं। तो अगर कोई ऐसा बात आए कि चीज इतनी सीरियस हुई कि टेबल पे आके बात किया, तो मेरे ख्याल से इस चीज को शायद बड़े प्यार मोहब्बत से डिफ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे बताइएगा, मरियम नवाज़ ने एक बयान दिया है इमरान खान के हवाले से, और आलमगीर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगी, कि जिस वक्त नवाज शरीफ कैद में थे तो उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी और उनको इमरान खान समझती हैं कि वो भी उसमें मुलव्वस थे। तो ये जो इस तरह के इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं इलेक्शन से पहले और इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन, आपको लगता है कि ये सही से एड्रेस हो रहे हैं? क्योंकि इमरान खान जो भी बात करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं उनको वो नीजर्क रिएक्शन नहीं आता बल्कि नो रिएक्शन आता है। देखिए, जहाँ तक बात की आपने मरियम की और उसके बयानात की, तो मैं बड़ा स्ट्रेट तरीके से कह रहा हूँ कि मरियम का झूठ बोलने का कोई लेवल नहीं है। वो किसी भी चीज को किसी वक्त भी इम्प्लीकेट कर सकती है और कुछ भी कह सकती है। अच्छा, दिस इज व्हाट उसकी कोई बेसिस जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं होते। जी आलमगीर साहब, आप बताएं, आप इस बयान पे क्या रद्द अमल देंगे? मरियम नवाज ने कहा है कि कभी ना कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में भी इमरान खान मुलव्वस थे और नवाज शरीफ को कैद के दौरान जहर दिया गया था जिसकी वजह से उनकी वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए थे, जिसके बाद फिर इन्होंने खुद उनको मुल्क से बाहर भेजा था कि उनकी जान बच जाए। बताइएगा। देखिए, आज दिन तक हमें इस बात का अफसोस है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, हमारी गवर्नमेंट भी, और आज दिन तक हमें ये अफसोस है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम जब उसको लंदन में देखते तो हट्टा कट्टा आदमी कभी केएफसी के रेस्टोरेंट में नज़र आता, कभी किसी रेस्टोरेंट में चलता फिरता नज़र आता, तो ना कोई सेहत का मसला है ना कोई और। और आज वही मरियम नवाज जो उस वक्त इनकी हिफाजत और इनकी जान के खतरे की बात और कहती कि दोपहर शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएंगे, आज वो इमरान खान को कहती कि जान के खतरे से क्यों डरते हैं, आज वो इमरान खान को हमें वो दलेरी के सबक दे रही है। इमरान खान ने दलेरी के तमाम इम्तिहान पास किए हैं, आपकी तरह भागे नहीं, कन्विक्टेड नहीं है, वो अदालतों में भी पेश हुए हैं। कन्विक्टेड इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कन्विक्ट होने के लिए अपने आप को पेश नहीं किया, फर्दे जुर्म उन्होंने आए ही नहीं होने दी, दो हफ्ते और लिए, अगर हो जाते पेश तो कन्विक्टेड हो जाते। फर्दे जुर्म आए थे इसलिए अदालत ने बुलाया था साथ। हर रोज एक नया केस बनाया जाता, 78 केसेस है इमरान खान पे, वो जिस कदर मुमकिन हो सका उन्होंने पेशियां भी की, उन्होंने वहां से हिफाजती जमानत भी ली और उन्होंने ये दरख्वास्त कि इनका हमला आवर जो कातिलाना हमला करता उसको वीडियो लिंक के जरिए उसके बयान लिए जाए अदालतों में, और इमरान खान जो विक्टिम है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, उसको ये सहूलत नहीं दी जाती, तो ये तो समझ से बालातर है ये दोरा मयार। और हर रोज आप नया केस बनाते चले जाएंगे, वो शख्स जख्मी है, उसको डॉक्टर्स ने मना किया है कि वो ओपनली ऐसे चल फिर नहीं सकता, आप हर रोज उसको पेशी के लिए बुलाएंगे और वो कह रहा है कि मैं पेशी से बिल्कुल नहीं, उनकी तबीयत खराब होती होगी अगर आप कह रहे हैं आलमगीर साहब, लेकिन फिर वो ये क्यों कहते हैं मैं खुद की आदत करूंगा, मैं रैली के लिए बाहर आऊंगा, फिर वो उनके ऐसे बयानात की वजह से लोग उन पर सवाल उठाते हैं। तो रैली की क़यादत तो किसी सूरत में भी की जा सकती, जरूरी थोड़ी है कि वो जो है वो सड़क पर कोई मैराथन रेस में हिस्सा लेंगे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का हक हर सियासी जमात को है। जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर, तो फिर हर सियासी लीडर का हक है कि वो कैंपेन करे, लेकिन कल इन्होंने जो किया, इन्होंने ये आईन की सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की, एक सियासी जमात को कैंपेन नहीं करने दी और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले, चीफ जस्टिस का काम है कि इस पर फौरी एक्शन ले,
ये कोर्ट की अदालतों की तौहीन। जी आलमगीर साहब आप काइंडली यहाँ पे रुकिएगा। नवाब तालपुर साहब ये बहुत अहम नुकता रियलाइज करवाया है आलमगीर साहब ने। मैंने पूरा इमरान खान का पूरा ख़त पढ़ा है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है, उसमें उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में ये बात कही है कि जिसने मुझ पर हमला किया वो अगर वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे उतनी सिक्योरिटी दी जाए जो मुझे मुतमईन करे। तो ये उनका मुतालबा तो गलत नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से, क्यों नहीं हुकूमत इसे कंसिडर करती? मैं समझता हूँ उनको अगर अभी भी सिक्योरिटी खदशात हैं तो हम सिंध से सिंध पुलिस भेज सकते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, कोई इतना बड़ा मामला नहीं होगा। और कल को जब इनकी बेल कैंसिल होगी तो हमें उन्हें गिरफ्तार करने में बड़ी आसानी होगी, उनकी सिक्योरिटी भी होगी। बल्कि मैं तो एडवाइस करूंगा अगर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा जो है सिक्योर हम जेल के अंदर ही कर सकते हैं। वैसे भी कब तक ये रुकते रहेंगे, कब तक जेल से भागते रहेंगे, जब अपने बड़े से महल के अंदर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग करते हैं तब तो उनकी टांगें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। पता नहीं जजों के सामने आते हुए क्यों कब तक आती हैं, हालांकि वो तो हमारे सबसे पसंदीदा लाडले भी हैं, जो कानून की बचत किसी की भी नहीं हो सकती उनकी वहां पर भी हो जाती है। लोग घंटा दे रहे हैं उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, हम दो दो तीन तीन दिन घूमते फिरते रहते हैं, हमें परवाह नहीं है। तो ये जो है दुनिया ने देख लिया है, ये जो सारे ड्रामे हुए हैं, ये जो तरीकेकार था ये किसी को पसंद नहीं आई। हमारी जो जुडिशल सिस्टम है ये एक वाहिद ऐसा सिस्टम है जिसको किसी भी सूरत इनजस्टिस किसी के साथ नहीं करनी चाहिए और हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का सरबराह हो, चाहे वो कोई वर्कर हो, चाहे वो किसी से भी ताल्लुक रखता हो। तो जो नवाब तालपुर साहब कल जो वाकया पेश आया, दो दिन पहले जो वाकया पेश आया लाहौर में, एक डिफरेंटली एबल वर्कर था पीटीआई का, मीडिया पे वीडियोस में आता रहता था, बहुत सारे जर्नलिस्ट उसको जानते थे, सबको पता था कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उसके साथ ये वाकया होना, आपको लगता है कि निगरान गवर्नमेंट इसको बॉदर कर रही है? मेरी थोड़ी देर पहले आमिर मीर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम तीन दिन में इंशाल्लाह पता लगा लेंगे कि ये एक्सीडेंट था या कुछ और वाकया हुआ था और हमारे हाथ एक बड़ी चीज़ आई है जो कि थोड़ी देर में बताएँगे। लेकिन आपको लगता है कि निगरान गवर्नमेंट में पुलिस जिस तरह से बिहेव कर रही है ये सही है? मैं नहीं समझता कि कोई इतना जालिम हो सकता है कि तशद्दुद करके किसी का किसी की जान ले ले। मैं समझता हूँ वी शुड वेट एंड सी, रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी सामने कि तिब्बी मौत थी या वाकई इनके साथ इनको टॉर्चर किया गया। लेट इट कम इन फ्रंट, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। मैं नहीं समझता कोई भी पाकिस्तानी इदारे का या पुलिस का बंदा अपने पाकिस्तानी के साथ इस तरह ज्यादा करेगा, पर ये जरा रियलाइज करना चाहिए इमरान नियाजी को जिस तरह से वो आम मिस्कीन लोगों को। लेकिन नवाब साहब ये वैसे रैली रोकने की वजह क्या, जरूरत नहीं होनी चाहिए थी? अमर मीर साहब ने एक और प्रोग्राम में भी ओपिनियन दिए कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो 8 मार्च को औरत मार्च हमेशा होता है, ये कई सालों से हो रहा है और पीटीआई ने अपनी रैली कुछ दिन पहले अनाउंस की थी, तो लेकिन लगता यही है बज़ाहिर जो वाकयात हुए हैं कि सिर्फ पीटीआई को रिटेन रोकने के लिए सब किया गया। देखिए जी आप हमें एक तरफ तो कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दें जो कि खुद हमको कहते थे कि आसिफ जरदारी साहब मेरी बंदूक की नोक पे हैं, यानी कि वो उनका कत्ल करना चाहते थे और आज इल्जाम हम पे इस किस्म के लगा रहे हैं। जहाँ तक औरंगाबाद की बात है, हमारी पार्टी ने बड़ा क्लियरली इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई है, एक्शन लिया गया है, जो चीज इसमें लोग इसमें मुलवस थे कुछ मुअत्तल हो गए, कुछ पे इंक्वायरी हो रही है। तो ये हम किसी को भी हक नहीं देते कि इस तरह से बैटन चार्ज करें। मैं समझता हूँ और भी लोग इसमें बड़े लेवल पे इन्वॉल्व जो थे जिनके हुक्म पे ये हुआ होगा उनके खिलाफ भी आप सुनेंगे। ठीक है नवाब साहब, आप काइंडली मुझे ब्रिगेडियर साहब को शामिल करें। जी ब्रिगेडियर साहब, ये जो वाकया पेश आया इस पर आपका क्या रद्द अमल है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर ये ओपिनियन भी आ रही है कि उसको मारा गया, शदीद चोटें लगी हैं, और फिर एक जर्नलिस्ट है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने खुद देखा उस वैन को, ये सारी कड़ियां आप मिलाएं तो ये इंप्रेशन जरूर जाता है कि वो पुलिस कस्टडी में रहा होगा, तो आपको लगता है कि इस पे सही इंक्वायरी होगी और निगरान गवर्नमेंट कर पाएगी इंक्वायरी? नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप तो वहां बैठ के बात कर रही है, मैंने जाके माल रोड पे देखा है जिस तरह पुलिस लोगों को मार रही थी और जिस तरह लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था जिसका कोई लॉजिक नहीं था, जिसका कोई रीजन नहीं था। आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप आइन की बात करते हैं, मुझे हैरानी होती है कि पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा सफरर है इन चीजों की, अगर वो भी इन चीजों की एडवोकेट शुरू कर देगी और उनकी तायीद शुरू कर देगी और किस्म की हुकूमत से अलग नहीं होगी तो फिर हम ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो भी इसी तरह पावर ग्रैबर है जिस तरह बाकी पावर ग्रैबर। कल जो कुछ हुआ है वो इंसानियत की तौहीन है, मैं कहूंगा पाकिस्तान की तौहीन है, जिस तरह बाहर के मीडिया ने
खबरें चलाई हैं और जिस तरह लोगों का रिएक्शन आया है, क्या जमहूरियत ये डिक्टेट करती है, क्या आइन ये डिक्टेट? आप बुनियादी सवाल कर लीजिए ना, बुनियादी सवाल कर लीजिए कि क्या आइन और अदालतें और जमहूरियत आपको हक नहीं देती कि आप रैली निकालें? आप कोई पुरतकल्लुफ इमरान खान के, अब ये बात ये इमरान खान स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरलिटी में एक बात है कि इमरान खान के पता नहीं 40 के 50 जलसे हुए हैं, किसी जलसे के अंदर कोई लॉ एंड की सिचुएशन उनके पार्टिसिपेंट ने क्रिएट की है, इतने दिनों से लोग जमान पार्क में बैठे हुए हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि हमला भी हो सकता है, जहां तक मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये जो चीजें है ना, दिस इज ये बेहमाना तशद्दुद है और जिस किसने भी किया है ही डिजर्व्स कंडमनेशन, और ये चीजें नहीं होती। अगर तो आप आज एक्सेप्ट कर लें, ये मान लें आज इस बात को कि पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना आईन है, और ना आईन ना किसी कानून की पासदारी है। यहाँ पे लोगों का अपना कानून है, अपना आईन है, अपना लॉ है, उसको जिस तरह जैसे कहते हैं ना कि लॉ कानून या आईन जो है वो मोम की वो होती है, उसको जिस तरह मोड़ लें तो ये ठीक है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप काइंडली साथ रहिएगा। आलमगीर खान साहब, एक एतराज आप पे आता है कि एक जर्नलिस्ट थी जो कि कंटेनर के नीचे आके वो मारी गई, उनका भी आपके लोगों ने FIR नहीं होने दी और फैमिली को आपने डिफ्यूज कर दिया, और अब ये एक वाक्या हुआ है, तो इस वाक्य के लिए आप आवाज़ उठाएंगे या ये वाक्या भी ऐसे रफा दफा हो जाएगा? और एक और थोड़ा तल्ख सवाल है लेकिन प्लीज़ ले लीजिए कि इमरान खान ने उनके वालिद को क्यों बुलाया जमान पार्क? जब किसी की ताज़ियत करते हैं तो खुद जाके ताज़ियत करते हैं या ताज़ियत करने वाले को भी घर बुला लेते? देखें, एक तो जहाँ तक बात है जर्नलिस्ट वाले वाक्य की, तो वो एक हादसा था, मीडिया के सामने है, वो एक्सीडेंट हुआ, वो गिरी और फिर एक हादसे के नतीजे में वो शहीद हुए और अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। रही बात केसेस बनाने की, तो ये तारीख का हिस्सा है कि इमरान खान जो विक्टम रहता, जिस पर कातलाना हमला होता, गोलियां लगती, वो अपनी FIR नहीं कटवा सकता, 3 ताकतवर लोगों के नाम नॉमिनेट करने को देता, वो नाम शामिल तफ्तीश नहीं होते, वो नाम नहीं आते। और आप देखते हैं कि एक्यूज्ड के लिए जो उस हमलावर था उसके लिए क्या कानून था और विक्टिम के लिए क्या कानून था, ये तारीख का हिस्सा है। और हमारी अपनी हुकूमत होते हुए सिस्टम इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है इन ताकतवर लोगों के हाथों कि हम हुकूमत होते हुए FIR नहीं बनवा सके। रही बात अभी मैं सुन रहा था, उन्हीं ताकतवर लोगों से मिलना चाहते हैं आप, किसी और से तो बात नहीं करना चाहते, ये भी एक हकीकत है। किसने कहा है? कोई तीसरा शख्स कुछ भी कह दे वो आप यकीन कर ले, जिसके बारे में बात की वो डिनाय कर रहा है ओपन। और हमने पहले दिन कहा कि मिलना मिलाना बातचीत करना आरिफ अलवी का इख्तियार है, उनको इख्तियार दिया गया है बतौर प्रेसिडेंट कोई भी नेगोशिएशन का, बातचीत का। इमरान खान ने तो बात नहीं की। रही बात ये सिंध की, बात करें कि सिंध में ये हिफाजत या तहफ्फुज़ देंगे, वो भाई आपके KPO जो IG ऑफिस, एडिशनल IG का ऑफिस है, वहाँ हमला हो जाता, वहाँ 4 घंटे मुकाबला चलता, दहशतगर्द घुस जाते वहाँ। तो इस वक्त सिंध में तो आप बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की या हिफाजती मामलात की बात ना करें तो बेहतर है, और स्पेशली कराची में इमरान खान की जान को खतरा है इस वक्त। जो वो पहले कह रहे थे वो साबित हुआ, उन पर हमला हुआ, और आज भी वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह से उनको थ्रेट है जी, और ये मुतालबा बिल्कुल मुनासिब है कि उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ये एक एथिकली जायज़ मुतालबा है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।